अपने अपने व्यूज बताओ यार, कोई पता नहीं कोई शहीद हो जाए, मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा उस पे। यार मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि मेरे इंसान बटालियन के लिए। हमारा बेटा शुजात शुरू से बहुत तेज तराज था और उसकी तेजी, जिस्मानी तेजी का पहला वाकया जब ये स्कूल जाता ही नहीं था तो उसके एक ताया प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने सालाना जो उनकी स्पोर्ट्स का डे होता है वहाँ पे छोटे बच्चों को भी बुलाया, टीचर्स के बच्चों को, तो वो ताया स्कूल ले गया साथ। ये छोटा था लेकिन वहाँ बच्चे बड़े बड़े भी थे, तो इन सब से लीड कर गया और जीत गया और उसको वहाँ एक प्राइज़ मिला जो उसकी वालदा ने संभाल के रखा हुआ है। वो उसका ज़िंदगी का फर्स्ट प्राइज था और ज़िंदगी के आखिरी दिन भी वो इतना तेज़ था कि उसने काफरों को, इन जो लादीन लोग हैं जो मुल्क के दुश्मन हैं, गैर मुल्की दहशत गर्द हैं, उनको अकेले ने 16 को घेर घेर के उसी तेज़ी के साथ उसने 9 को वासले जहन्नम किया, मौत के घाट उतार दिया और 7 को इतना ज़ख्मी किया कि वो भी बहुत ज़ख्मी हो गए थे। कुदरत ने, मैंने पहले भी बताया कि ये अल्लाह ताला के चुने हुए रूह होते हैं और शायद ये इनकी लाइफ, ज़िंदगी जो होती है वैसे तो हर एक की है, ये कुन से पहले ही इसका तय्यन किया जाता है और आलम अरवा में भी इनका एक अलहदा मकाम होता है और दुनिया में भी इनका एक अलहदा मकाम होता है। ये अपनी आदात, अपनी सोच, अपने किरदार से लोगों से ये मुख्तलिफ़ होते हैं और ये पहचाने जाते हैं। इनके ख्यालात मुख्तलिफ़ होते हैं, इनकी सोचें मुख्तलिफ़ होती हैं, इनके किरदार मुख्तलिफ़ होते हैं। शुजात कहता था कि ये जो पाकिस्तान है ना, हम इसके लिए क्यों लड़ते हैं, इसकी हिफाजत क्यों कर रहे हैं। कहता है ये हमारे नबी ने बनाया है। मुझे बताता है कि अबू ऐसे है कि, कहता है हर एक की सोच होती है ना, कोई किसी लिए लड़ता है, कोई किसी मकसद के लिए, उसका एक एम होता है। कहता है मेरा जो अकीदा है वो ये है और मैं, कहता है, फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूँ कि ये हमारे नबी ने बनाया था और ये नबी का बनाया हुआ है, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम इसकी हिफाजत करें, अगर इसमें हमारी जान भी चली जाए तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। कहते हैं पहला वाकया ये हुआ कि कायदे आज़म यहाँ से हिंदुस्तान के मुसलमानों से दिल बर्दाश्ता होके वो लंदन चले गए, वहाँ सोए हुए थे तो अक्सर वो अपनी लाइट ऑफ करके सोते थे, उस रात उनकी लाइट ऑन होगी। अच्छे से पहले बताऊं कि उसे बड़े लेटर भेजे, मोहम्मद अली जौहर ने भेजे, अलामा इकबाल ने भेजे कि आप वापस आ जाए। वो कहते नहीं यार, इन लोगों में मुझे ना तसल्ली नहीं है, मेरा दिल इन्होंने तोड़ा है, मैं वापस नहीं आता, इनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ उस रात उनकी लाइट ऑन होगी तो वो जागे, उन्होंने कहा कि ये कैसे होगी, मैं तो इसको ऑफ़ करके सोया था। खैर उसने फिर बंद कर दी लाइट, ऑफ़ कर दी, थोड़ी देर बाद फिर लाइट ऑन हो गई, फिर थोड़ा सा तशवीश हो गई उसको, कायदे आज़म को। वो अपनी बहन के कमरे में गया, फिर अपनी वाइफ के कमरे में गया, वो दोनों सोई हुई थी, तो उनको उठाया कि आपने मेरी लाइट ऑन की है, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो सोई हुई दोनों, आके सो गया। तो वो सोए जागा था कि तीसरी बार फिर लाइट ऑन हो गई। ये वो बात है जो मेरा बेटा मुझे बता रहा है कि ये मेरा अकीदा है, ये मेरा ईमान है, जिस वजह से मैं पाकिस्तान के लिए लड़ता हूँ या मैं जिसके लिए कुर्बानी देने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। तो कहते हैं तीसरी बार जब फिर लाइट ऑन होगी तो उस कायदे आज़म ने पूछा हु इज़ इट, हमारे यहाँ तो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि हु आर यू, लेकिन वो अंग्रेज़ों में रहता था, वो कहते हैं हु इज़ इट, तो आगे से आवाज़ आई कि आई एम मोहम्मद मैसेंजर ऑफ अल्लाह, गो बैक टू इंडिया एंड लिबरेट द मुस्लिम्स। कायदे आज़म फिर उठ बैठा,
उसने बहन को फिर उठाया, फिर उसने वाइफ को उठाया, उन्हें कहता है कि उठो तैयारी करो कि हमने इंडिया जाना है। तो उन्होंने कहा भाई आप सो जाएं, सुबह चले चलेंगे। उसने कहा नहीं, अब मैंने सोना नहीं है, मुझे हुक्म हो गया है तो अब नींद मेरी ख़त्म हो गई। कहता ये एक वाक़या। दूसरा वाक़या ये कि मुस्लिम लीग ने एक जुलूस निकालना था और जमीयतुल उलमाए हिंद ने भी उसके मुकाबले में निकालना था। नेहरू ने साजिश की खाकसार वो बेलचे वालों के साथ कि आप वो बाबे कायद आज़म की ना गर्दन काट देना। तो वो तैयारी में थे, तो रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका कोई था मौलवी अशरफ थानवी, तो उसको ख्वाब में मिले, उन्हें कहना कि कल आप कायद आज़म के साथ जुलूस निकालेंगे, उसके मुखालिफ नहीं निकालेंगे। तो सुबह उठे तो उन्होंने दो झंडे उठाए हुए, एक मुस्लिम लीग का और एक जमीयतुल उलमाए हिंद का। तो उनके जो शागिर्द हैं या वो पार्टी वाले लोग, उन्होंने कहा कि हज़रत ये क्या कर रहे हैं। उसने कहा बहुत बड़ी सिफारिश आ गई है, अब यही होगा। उसके बाद कहते हैं कि जमीयतुल उलमाए हिंद दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी, एक प्रो इंडिया और एक प्रो पाकिस्तान। तीसरा वाक़या बेटा कहता है कि ये नेहरू पार्टी जो है ये कह रहे थे खान ऑफ कलाद को कि आप हमारे साथ मिल जाएं, जैसे ये ईस्ट पाकिस्तान बना रहे हैं तो हम वेस्ट इंडिया बना लेंगे। तो वो कन्फ्यूजन में था, अभी फैसला नहीं कर सका था। तो उससे ख्वाब में नेक आदमी होगा, तो नेक आदमी होगा तो इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख्वाब में कहा कि आप पाकिस्तान के साथ अलहक कर लें। तो उसने अगले दिन कायद अजम को और मिस फातमा जना को दोनों को बुलाया, उनको चांदी के बराबर तोला, वो चांदी उसने अपने रियाया में तकसीम कर दी और अलहाक का उसने ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। और जब पाकिस्तान बन गया तो ये जो मौलाना उस्मानी साहब थे, इन्होंने मुबारक दी कायद अजम को कि जी आपको मुबारक हो, आपने पाकिस्तान बनाया। तो उसने कहा नहीं, मैंने नहीं बनाया, ये तो नबी पाक ने बनाया, मैं तो उसका एक फ्रंट मैन था। ये मेरे बेटे के अकायद थे जिस वजह से वो पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत करता था। असल में वो आशिक रसूल था, जिस वजह से मोहब्बत पाकिस्तान की उसकी इश्क की वजह से थी, इश्क जो उसका अपने रसूल के साथ था, उसकी वजह से वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता था। और उसने आखिरी दिनों में उसको माँ ने एक वीडियो कॉल की तो वो सर पे ना तेल लगाया हुआ था, तो माँ कहती है कि ये बेटा आपने सर पे क्या लगाया। कहता है अम्मी मैंने तेल लगाया। तो कहती तेल क्यों लगाया। कहते मैं चाहता हूँ कि मेरे बाल लंबे हो जाए। तो वो कहती है कितने लंबे हो जाए। कहता है कि इतने लंबे हो जाए जितने हमारे रसूल के हैं, बस उतने हो जाए। तो कहती हो जाएंगे। कहते नहीं मुझे जल्दी है, चूँकि वो जाने वाला था तो कहते नहीं मुझे जल्दी है, मैं चाहता हूँ जल्द अज जल्द ये हो जाए। हमारा बेटा हमेशा बावजू रहता था और जिक्र इलाही भी करता था, अल्लाह का जिक्र भी बहुत करता था और सखी भी था। आखिरी दिनों में वो जब कराची गया ना, तो लास्ट उसका जो विज़िट कराची का था, तो वहाँ से उसने बहन बड़ी को फ़ोन किया कि मैं बड़ी मुश्किल हूँ, मुझे 10,000 रुपया भेजे, मेरी अभी तनख्वाह नहीं आई है, पता नहीं क्या वजह बनी। तो वो बेटी ने 10,000 भेज दिए, बात आई गई होगी, लेकिन जब उसकी शहादत हुई तो फिर हमारे दिल में एक बड़ा दुख सा रहा कि हमारा बेटा क्यों परेशान था, पैसे के लिए 10,000 के लिए क्या वजह बनी उसको। लेकिन हमें उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था, चूँकि बेटा था नहीं और कोई बंदा बताने वाला ही नहीं था कि वो किस परेशानी में था कि उसने बहन से पैसे मांगे। तो इधर लाहौर में एक इनकी यूनिट का बैक होता है, कोई रियर कहते हैं, वहाँ से एक फौजी आया लांस रैंक, वो हमें एक कागज़ देने आया कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उससे मैंने पूछा कि आप हमारे बेटे के साथ कितना रहे हैं, कैसा पाया, आप उसके बारे में कोई वाक़या बता दें। जैसे इंसान के अंदर एक तजस्सुस होता है, परेशानी होती है, बच्चे के बारे में मालूमात इकट्ठी करता है।
तो उसने कहा जी मैं डेरा इस्माइल खान दो तीन बार उनसे मिला हूँ, बहुत अच्छे अखलाक के थे, और एक दफ़ा मैंने सफ़र किया है वाना से डेरा इस्माइल खान तक, तो ऐसे ही लगता था जैसे मैं किसी सिपाही के पास बैठा हूँ। उसमें कोई तकब्बर नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, फ्रैंक होकर बातें करता था।